हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने CMF फ़ोन वन एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना डेटा लिमिट को आप सेट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। इसमें आपको ये नेटवर्क एंड इंटरनेट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सिम का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। इसमें आपको देखिए यहाँ पर ये पहले तो मोबाइल डेटा, जो मोबाइल का डेटा होता है उसे ना ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड ये डेटा वार्निंग एंड लिमिट का ये वाला ऑप्शन आपको हाईलाइट हो जाएगा, इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको नीचे की साइड ये सेट डेटा लिमिट के सामने जो बटन है इसे टैप करके ऑन करना है, तो आपका ये पेज आएगा, इसे ओके करना है। तो आपका सेट डेटा लिमिट के सामने वाला बटन ऑन हो जाएगा ना। जैसे ये बटन ऑन होगा तो आपके नीचे की साइड ये डेटा लिमिट का ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। तो इस डेटा लिमिट के ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है तो आपका ये पेज आएगा। अब देखिए डेटा लिमिट आप जो है GB में करना चाहते हैं सेट या फिर MB में करना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पे एरो के बटन पर टैप कीजिए तो आपका नीचे MB और GB आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना मैं इसे MB में सेट करना चाहता हूँ, क्योंकि GB से तो कम होता है ना MB, तो यहाँ पर मैं MB में सेट कर लेता हूँ और MB यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर आपको जो है काउंटिंग यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है 200 कर देता हूँ, इस तरीके से मैंने 200 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है इसे सेट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए आप ना यहाँ पे GB में भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पे कितनी भी काउंटिंग लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं सेट के ऑप्शन पे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर देखिए डेटा लिमिट जो है वो 200 MB पे सेट हो चुका है। अब देखिए सेटिंग जो है कैसे काम करेगी। अब इस डेटा लिमिट सेट करने के बाद, ठीक है, मैं अपने मोबाइल फ़ोन में डेटा इंटरनेट जब यूज़ करूँगा ना तो मैं उसे 200 MB से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊँगा। 200 MB से ज़्यादा वो इंटरनेट काम नहीं करेगा, ठीक है। 200 MB ख़त्म हो गया तो वो काम नहीं करेगा इंटरनेट, चाहे आपके फ़ोन में कितना भी इंटरनेट बाकी का बचा हुआ होगा ना, वो 200 MB से ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डेटा लिमिट सेटिंग जो है इस तरीके से सेट करने के बाद काम करती है सेटिंग, ठीक है।